हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और हम लोग फिजिक्स में कुछ पढ़ रहे थे, अच्छे तो होंगे और आप सवाल करनी है तो आप बुरे हो जाएंगे, क्योंकि सवाल थोड़ा मेहनत का काम है और इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन को समझ लिए और अगर आप न्यूमेरिकल सवाल को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका थ्योरी किसी काम का नहीं रह जाएगा, है ना। तो हमें अगर अच्छे से थ्योरी आती है तो हम सवाल आराम से कर लेंगे। और आज हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, हम सवालों को ऐसा चुनेंगे जिससे कि हम एक सवाल कराएं और बाकी सवाल आपको आसानी से अपने आप आ जाए। तो हम बेसिक सवाल को चुनेंगे और उसके बाद आसानी से उसी की मदद से आप बाकी सवाल हल कर लेंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि हम अंक का इस्तेमाल ना करें, है ना, कम से कम अंक यूज करें जिससे वो सवाल सभी के लिए बराबर तौर पर आ जाए, है ना। कई सारी सवालें उसकी मदद से हल की जा सके। चलिए देखते हैं, थोड़ा शुरुआत करते हैं दमदार सवाल से, क्योंकि अगर कठिन सवाल आने लगती है तो आसान सवाल अपने आप आने लगेगी। तो पढ़ के आ रहे थे, ये तो आपको पता होगा, युजवत हमारा सरफेस टेंशन अभी खत्म हुआ है तो उसी के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे हम लोग। तो देखिएगा, सरफेस टेंशन में हमने अभी होने वाली है क्या अपने को, तो सरफेस टेंशन में हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक बुलबुला, सवाल लिखने से पहले हम आइए सवाल समझ लेते हैं, पूछना क्या चाहते हैं आपसे, है ना। सवाल जरूरी है पहले समझना तभी उत्तर देंगे हम लोग। हमारे पास मान लीजिए कि एक ये बुलबुला है, क्योंकि बुलबुला सरफेस टेंशन में खूब आया था, तो ये एक बुलबुला है। लेकिन हमारे पास एक बुलबुला ना होकर हमारे पास डबल बुलबुला है। डबल बुलबुला का मतलब एक बुलबुला ऐसे यहाँ पर और बन गया, ठीक, ऐसे दोनों बुलबुला मैं लेके आया, एक छोटा बुलबुला एक बड़ा बुलबुला, दोनों को दाम से मिला दिया, पर ऐसा मिलाया कि दोनों बुलबुला फूटा नहीं, ठीक है ना। अभी दो बुलबुले हो गए, चलो दोनों साबुन के बुलबुले हैं, उस देर के लिए हम ये मान लेते हैं, ठीक। तो जैसे ये आपस में मिले होंगे ना, ये दोनों बुलबुले यहाँ से तो मिल जाएंगे, पर ये वाला हिस्सा इसका थोड़ा झूल में आ जाएगा, मिल जाएगा, एक हो जाएगा। और इसके साथ होने वाला क्या है पहले ये समझो, क्योंकि बूंद के भीतर आधिक दाब होता है। आधिक दाब का मतलब कि बाहर से अंदर ज्यादा दाब पाया जाता है। कितना ज्यादा पाया जाता है, तो आपने बताया है 40/r पाया जाता है। जिसकी रेडियस कम होगी उसके अंदर का दाब ज्यादा होगा, ठीक। इस सवाल को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा क्या है एग्जांपल। हमारे पास यहाँ पर एक नली है, ठीक है बच्चे, ये क्या है एक नली, और यहाँ पर भी ऐसे एक नली है। सोचिएगा आप लोग, यहाँ पर एक छोटा सा बुलबुला है और यहाँ पर एक बड़ा सा साबुन का बुलबुला है। आप देखिए, एक बुलबुला बड़ा सा है और एक बुलबुला छोटा सा है, ठीक है ना। इसकी जो रेडियस है वो R1 है और इसकी जो रेडियस है वो R2 है। देख के पता चल रहा है ये छोटी त्रिज्या का है और ये बड़ी त्रिज्या का है। तो हमारे पास एक नली है जिसमें एक छोटा बुलबुला है, एक बड़ा बुलबुला है और यहां से दोनों खुला है, ठीक। हमें यहां दाबे से छोड़ दिए इसको, तो अब इसमें क्या होगा कि ज्यादा वाले से कम वाले की ओर या कम वाले से ज्यादा वाले की ओर किधर इसमें वायु का स्थानांतरण होगा, यही क्वेश्चन है। बताइए किधर इसमें हवा जाएगी, हम जवाब देते हैं। जैसा इसके अंदर का जो दाब आएगा वो 40/r आएगा, आधिक के दाब, और इसके अंदर का आधिक दाब 40/r आएगा। पर इसकी रेडियस ज्यादा है और इसकी रेडियस कम है, इसकी वजह से इसके अंदर ही r का मान कम तो दाब का मान ज्यादा, यहाँ दबाव ज्यादा होगा और यहाँ दबाव कम होगा। जब यहाँ दबाव कम है और यहाँ दबाव ज्यादा है, तो जिस तरफ अगर दो लोग इसे दबा रहे कोई चीज, तो जो ज्यादा तेज दबाएगा उधर से मटेरियल निकल कर कम तरफ जहां दाब होगा वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका दाब ज्यादा है, ये पिचक जाएगा और ये और बड़ा हो जाएगा। व्यवहार में ऐसा लगता है कि ज्यादा से कम की ओर जाएगा और इसमें से हवा निकल कर इसमें आएगी और ये गुब्बारा या बुलबुला जो है ये और फूल आएगा, पर ऐसा होने वाला नहीं है। ये इधर से जाएगा और ये और छोटा हो जाएगा और इसमें की हवा इसमें चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर का दाब ज्यादा था। बेसिक बात समझ आ गई, सेम प्रोसेस इस सवाल में है कि हमारे पास जो ये बुलबुला है छोटा है तो अंदर का दाब ज्यादा होगा, ये बुलबुला बड़ा है तो अंदर का दाब कम होगा। तो जब ये ज्यादा दाब का है तो ठेलेगा दम लगा के, और जब ठेलेगा तो इसके अंदर का जो ये पृष्ठ है, ये वाला जो मैंने बनाया है, ये कुछ किस प्रकार हो जाएगा और एक नया पृष्ठ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अकेला होता, सोचो ये अकेला होता तो विशुद्ध गोलाकार होता, लेकिन अब उधर से कोई ठेल रहा है और ये ज्यादा तेज ठेल रहा है, तो इसका जो अपना खुद का पृष्ठ था वो डैमेज हो गया। अब ये कुछ इस टाइप की आकृति बन गई और यहाँ पर बना अवतल आकार है ना। अब देखिएगा, अब हमें क्वेश्चन ये निकालना है कि जो ये कॉमन पृष्ठ बना है, नया वक्र पृष्ठ बना है, ये जहां मैं मानकर चला रहा हूं, इसकी रेडियस क्या होगी? यही प्रश्न पूछा है उससे, इसकी रेडियस क्या होगी। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि हमारे पास दो बुलबुले हैं, एक बुलबुला छोटा है और एक बुलबुला बड़ा है,
दोनों बुलबुला मिलकर एक हो जाते हैं, मिलके एक बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे जो नया पृष्ठ बनता है इन दोनों का उभयनिष्ठ वक्र पृष्ठ, इस उभयनिष्ठ वक्र पृष्ठ का हमें रेडियस बताना है। तो इसकी जो रेडियस है, दिस इज द आर वन एंड दिस इज द आर टू, ठीक है ना, फाइंड आउट द कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका हमें कॉमन रेडियस निकालना है, कैसे निकालेंगे समझिएगा, समझिएगा अच्छे से, समझिएगा यार, ये पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि इसके अंदर का जो दाब है वो P1 है और इसके अंदर का जो दाब है वो P2 है, ठीक है, तो अगर दोनों के अंदर का जो दाब है P1 और P2 है, तो इसके अंदर का दाब ज्यादा है, इसके अंदर का दाब कम है, ठीक, तो जो इन दोनों का अधिक दाब के कारण, दाब अंतर के कारण ये पृष्ठ बना है, ये कॉमन वाला जहां मैं ब्लू वाला मार्कर चला रहा हूं, ठीक। तो मैं कहूंगा क्या, डेल्टा P बराबर तो मुझको मिलेगा P2 माइनस P1, या P1 माइनस P2, सॉरी P1 माइनस P2, इसके अंदर ज्यादा दाब है, इसके अंदर कम है क्योंकि छोटा है, और अगर बाहर वायुमंडल है तो P0 होगा बाहर का दाब, तो अंदर का दाब जो होगा वो P0 और प्लस यहां पर हो जाएगा 2T नहीं 4T, क्योंकि साबुन का है तो 4T बाई यहां कितना हो जाएगा R1, और माइनस इसका अगर हम निकालेंगे तो आएगा P0 और प्लस 4T बाई R2, अंदर भेजिए यहां से आएगा P0 प्लस 4T बाई R1 माइनस P0 माइनस 4T बाई R2, ध्यान से देखो P0 से P0 कट गया, दोनों में 4T कॉमन है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, R2 ये हमें मिला, ये डेल्टा P का मान मिला, यानी कुछ देर के लिए रफ्तार में समझो कि ये बुलबुला जो था और जो ये बुलबुला था इन दोनों का वक्र खत्म हो गया और एक नया वक्र पृष्ठ बना, ये वक्र बना, ये अगर ये बुलबुला होता और इसकी रेडियस कैपिटल R होती तो इसके अंदर अधिक दाब आता 40 बाई कैपिटल R, बात समझ आ रही है ना, जो नया वाला पृष्ठ है ये वाला ब्लू वाला, तो इससे जब पृष्ठ बना ये एक नया टाइप का बुलबुले के तरीके कार्य करेगा, जिसकी रेडियस हमने कैपिटल R माना तो अधिक दाब आ जाता 40 बाई कैपिटल R, डेल्टा P बराबर और बराबर 4T और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और ये 40 40 कट गया और अपने पिता से 1 बाई R इक्वल टू क्या मिला, लघुत्तम ले लो तो R1 R2 मिला, और यहां भाग करोगे तो R2 माइनस R1 आएगा, लेफ्ट वाला उल्टा तो राइट वाला उल्टा, या त्रिज्या गुणा कर लीजिए जैसा आप समझे, तो कैपिटल R बराबर अपने को मिला R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक, ये हमें मिला उभयनिष्ठ पृष्ठ की त्रिज्या। अब ये एक फार्मूले के फॉर्म में आई है, ऐसा निकालने से मेरा लाभ क्या होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा सवाल बोलूं, मैं कह दूं कि एक गोला ऐसा है जिसकी त्रिज्या 0.3 मिमी है और दूसरा ऐसा है जिसकी 0.8 मिमी है, दोनों मिलके एक हो गए है ना, तो उभयनिष्ठ पृष्ठ की त्रिज्या पता है, दोनों का मान रखिएगा, सॉल्व करिएगा आंसर। मैंने कहा एक 4 सेंटीमीटर है एक 9 सेंटीमीटर है, दोनों मिलके एक हो गए, उभयनिष्ठ की बताइए त्रिज्या, बस R1 R2 का मान रखते जाएंगे फटाफट आपको आंसर मिलता जाएगा। तो ऐसे करने से हमारा लाभ क्या हुआ समझ आ गया, प्रश्न क्या था आप समझ गए होंगे, हमसे इसी की त्रिज्या पूछा था, ये सेम गोलाकार नहीं होगा, मैं एक बार उनको फील कराता हूं अच्छे से समझो, ये गोला पहले रहा होगा ऐसे, जब दूसरा वाला गोला इससे कैसे मिला होगा, तो इसके अंदर का दाब 40 बाई R2 था, इसके अंदर का 40 बाई R1 था, इसका वाला दाब ज्यादा था, इसका वाला दाब कम हो गया, जब ये दोनों मिले होंगे मिलकर तो एक सतह खत्म हो गई और एक सतह ऐसे बनी होगी, ये वाला जो डॉटेड लाइन है और ये भी डॉटेड लाइन है, ये वाला डॉट वाला इसका है और ये वाला डॉट इसका है, दोनों समाप्त हुए, बीच वाला बना, अब हमें ये समझना है ये बीच वाला किसकी तरफ रहेगा, इसकी तरफ या उसकी तरफ, जिसके अंदर दाब ज्यादा होगा वो ठेल देगा और ना रहा है ना, तो अगर इसको ठेलेगा तो पूरा पूरा दाब अगर 40 बाई R1 से गया था तो ये वाला भी तो मिलता जो ये बाहर वाला है जो मैं रेड से चला रहा हूं, देखो लेकिन ये 40 बाई R1 से ठेल था एक्स्ट्रा, लेकिन इधर से 40 बाई R2 हल्का सा इधर ठेल दिया, तो इसका मतलब बीच में नहीं रहेगा पर ये एकदम यहां तो नहीं पहुंचेगा पर यहां पर आ जाएगा, यानी एक नया पृष्ठ बन जाएगा, नया त्रिज्या जिसकी त्रिज्या R1 भी नहीं होगी R2 भी नहीं होगी, इसी का हमें त्रिज्या बताना है, और ये दोनों के बीच के दाबांतर के बराबर है, और दोनों का जो दाबांतर है वो मैंने भी निकाला है P1 माइनस P2 करके, और ये दाबांतर है तो दाबांतर जो आएगा एक्स्ट्रा दाब का अंतर जो आएगा वही तो 40 बाई R होगा, अगर इस वाले की त्रिज्या रेड वाले की त्रिज्या मैंने कैपिटल R मान लिया तो, काफी सामान्य है एक दो बार समझिएगा, अगर आपको ना समझ आया होगा बेहिचक आप उससे बोलिएगा कमेंट करिएगा मैं इसका उत्तर दे दूंगा, काफी टाइम लिया होगा इस सवाल ने आपके, इसे पॉज करिएगा और आप लोग आराम से इसे लिख लीजिएगा, जरूरी है ये सवाल, ठीक है। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, हम बहुत क्वेश्चन को सिलेक्टेड तौर पर बता रहे हैं, हमें वो रामलाल और सार्टन वाले क्वेश्चन नहीं बताने आपको, ठीक है।
ठीक है। शॉर्टकट क्वेश्चन बता दें आपको कि इसमें ये कर लीजिए, प्रश्न बन जाए, तो वो छोटे क्वेश्चन है, उनके एग्जाम्पल देख के अपने आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन वो देखिए जो थोड़ा दमदार टाइप के, समझ में आया आपको, कठिन क्वेश्चन अगर आप हमसे पढ़ रहे थोड़ा मजा भी आना चाहिए आपको। अब नॉर्मल बातें हैं कि भैया वर्डन बताइए, ये बताइए, वो बताइए, वो तो सब कर लेंगे भाई, डबल प्रॉपर्टी यूनिट टाइप करके, नहीं तो वही सवाल नहीं करेंगे हम लोग। और अगर आपको लगता है कि जरूरत है इस सवालों की तो आप बताइएगा, हम उसमें भी बना देंगे कुछ, है ना। पहले हम बहुत ठीक ठाक सवाल बता देते हैं दो चार आपको, जो भले ही टाइम टेकिंग है पर अच्छे सवाल हैं, और अगर ये सवाल आपको आ गए तो बाकी प्रश्न अपने आप आपको आ जाएंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन हमारे पास और क्या है, हमारे पास एक कुछ इस प्रकार की आकृति है, एक बर्तन है, देखिए काफी अच्छा बर्तन है, ठीक मैंने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझिए आपको आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सवाल सरल सवाल तो सभी पढ़ते हैं, वो तो सबको आ जाएगी, हमें पता है। सवाल वाल जब पढ़े दमदार सवाल पढ़े, मतलब लगे कि आता है अच्छा आपको। अब ये नली चौड़ी है, यहाँ पर ये इस प्रकार था, भरा भरा हुआ था, है ना, इतना चौड़ी नली हमने इस्तेमाल नहीं किया है ना, पतली है, ये स्मली टाइप की है, और इस पर जो द्रव है वो ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ गया है, क्योंकि याद करिए मैंने बताया था अगर रेडियस कम होता है तो इसका मतलब ज्यादा ऊंचाई तक द्रव चढ़ेगा, है ना। तो इसके तुलना में देखो यहाँ पर इस पॉइंट से ये यहां तक गया है, यानी यच ऊंचाई एक्स्ट्रा यहां पर दाब चला गया है, ठीक। और यहां जो इसका द्रवचुंबक बना है, अगर ये ऊपर चढ़ा है तो अवतल क्या काल का होगा, पिछले लेक्चर में सब कुछ कवर है। और यहां अगर ऊपर चढ़ा है तो इसका जो द्रवचुंबक है ये इस प्रकार होगा, नली पतली है इसलिए जो इसका रेडियस है कैपिटल आर और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर दोनों हमने मान लिया, हमने मान लिया यहां पर इसका स्कोर जीरो बन रहा है, ठीक है ना। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर है, और इसको हमने आर1 माना, इसको भी आर1 माना, इसको हम लोगों ने आर2 माना और इसको हमने आर2 माना, कैपिटल बराबर है, ठीक है ना। तो हम दोनों इस्तेमाल कर लेंगे, स्मॉल वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक। सवाल में हमें निकालना है फाइंड आउट हाइट एच, जो ये एच है कितनी ऊंचाई तक पानी इसमें चढ़ा होगा हमें बताना है। पहले अगर यहां पर देखो, अगर पानी इक्विलिब्रियम में है, यानी पानी का ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो मैंने बताया था कि जल की एक प्रॉपर्टी होती है कि समान क्षैतिज लेवल पर हर एक पॉइंट पे दाब का मान आपस में बराबर होता है, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दाब बराबर होगा। नाम दे दिया मैंने इसका ए, इसका नाम भी, मैंने कहा भाई पी ए और पी बी दोनों आपस में बराबर है, चलिए कोई बात नहीं बराबर है। अब अगर पी ए और पी बी बराबर है तो पी ए वाले पॉइंट पर दाब कितना होगा, देखिए हम बता रहे कितना होगा। अगर ऊपर हमने कहा कि खुला तो वायुमंडलीय दाब पी नॉट पक्का आएगा, हवा का दाब, कई बार मैंने बताया यहां पर वायुमंडलीय दाब पी नॉट पक्का आएगा। तो अब यहां पर पी नॉट बाहर का दाब है, तो अंदर का जो दाब होगा, देखिए ये गोलू गोलू इसे बनता, तो ऐसा गोलू बनता तो इसके अंदर 40/r ज्यादा होगा, तो दूसरे शब्दों में बाहर 40/r कम होता, तो ए वाले में जो अगर हम दाब निकालेंगे वो पी नॉट माइनस 40/r, r क्या लिखेंगे 1, r1। पर अगर हम बी वाले पॉइंट पर दाब लिखते हैं, हम यहां बी वाले पॉइंट पर आप ध्यान से देखिए, तो बी वाले पॉइंट पर हमें दाब क्या मिलता, तो पहली बात तो ऊपर वाला दाब पूरा मिलता वहां से जो यहां पर दाब है, और यहां पर दाब क्या है तो ऊपर का दाब पी नॉट है, और अगर गोलू गोलू उसका इसे बनता तो अंदर 40/r ज्यादा होता तो बाहर 40/r कम होता, तो पी नॉट माइनस 40/r, और यहां पर मैंने r2 लिख दिया, और साथ में प्लस इतने ऊंचाई के पानी का वेट भी तो इसके ऊपर होगा, ये हो जाएगा एच रो जी, देख भाई समझ नहीं हो जाएगा सब, देखो मैंने इसे बताया होगा, अगर यहाँ नवचंद्र कैसे है और यहाँ अगर दाब पी नॉट है, यहाँ पर पी नॉट माइनस 40/r आएगा, पक्की बात है, और नहीं आ रहा तो पिछले वीडियो देखिए उसमें आपको समझ आ जाएगा जी मैं कैसे लिख रहा हूँ, बार बार वही बात बता रहा, ये वीडियो को लंबा खींचना हो जाएगा, ये मजाक हो जाएगा हमारे साथ में। और इस पॉइंट पे इसके ऊपर जितने लोग होंगे सबका भार आएगा। अब तुम्हें बता रहा हूँ एग्जाम्पल का, ऊपर हम 5 किलो का पिंड रख दें तो उससे आप दबे रहेंगे, उसके ऊपर 10 किलो का रख देंगे तो उससे भी दब जाएंगे, और रख दें 15 किलो तो और वेट आ जाएगा और दब जाएंगे। तो पहली बात तो इसके ऊपर पानी था तो पानी का लोड एच रो जी, और ऊपर से वायुमंडल था और वायुमंडल के कारण इस बिंदु पर जो आया था वो पी नॉट और माइनस 40/r था, तो मैंने उसको भी लिख दिया। अब देखिए यहाँ मजेदार बात, ये पी नॉट कर दिया, कहाँ जा रहे हैं तो चाहते हुए को रोक नहीं सकता, इधर लाया मैंने इसको तो 40/r2 माइनस था, इधर लाया प्लस बन गया, और माइनस यहां से आया 40/r1 और बराबर वहां से हमें मिला एच और जी, दोनों में मैंने 40 का मान ले लिया तो 1/r2 - 1/r1 बराबर हमें क्या मिला एच और जी,
हमें यच का मान निकालना है, रोजी को इधर भेज दो, तो यच बराबर मिला 40 बटे रोजी और ब्रैकेट में 1 अपान आर टू माइनस 1 अपान आर वन। बेहतरीन सवाल। अब इस सवाल में आपसे कह देगा कभी पृष्ठ तनाव बताइए, कभी कह देगा ऊंचाई बताइए, कभी कहेगा घनत्व बताइए, सारे मान दे देगा और आपसे ऐसे निकालने के लिए बोलेगा, और आप ठहरे खूब बुद्धिमान बच्चे, पक्का आप इसे निकाल लेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है मानो भाई, आप इसे पॉज करिएगा और फटाक से काम कीजिएगा। एक टाइप के सवाल और पूछेगा आपसे, बस और कोई सवाल नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा कि हमने आपको एक दे दिया है, क्या दे दिया भाई हमने आपको, कहेगा एक बड़ी गोल हमने दे दिया जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और इसको हमने क्या किया, कैपिटल या छोटी बूंदों में तोड़ दिया जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, बस। तो कब बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा, कितनी ऊर्जा लॉस होगी। अब क्या करेंगे समझिएगा, अगर जो बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद, तो मैं कह सकता हूं बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर यन गुणे छोटी बूंद का आयतन, क्योंकि मैंने इस बड़ी बूंद को ही यन छोटी बूंदों में तोड़ा है, तो बड़ी बूंद का जो आयतन है गोलाकार है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ी बूंद की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर लिया है, और बराबर यन गुणे छोटी बूंद की निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल, और ये कट गया, अपने को मिला आर क्यूब बराबर यन आर क्यूब, यानी आर बराबर यन की पावर 1/3 आर क्यूब, घटाएंगे घनमूल लेना पड़ेगा, तो मैंने इतना कर लिया, ठीक है। अब मैं ये निकालना चाहता था कि पहले वक्र पृष्ठ कितना था, है ना, देखो याद करो, अगर किया गया कार निकालना है W, तो T इंटू डेल्टा A निकालना पड़ेगा, और डेल्टा A अगर अपने को निकालना है तो डेल्टा A का मतलब होता है A2 माइनस A1, तो पहले अगर मैं बड़ी बूंद का क्षेत्रफल लिखूं, बड़ी बूंद का क्षेत्रफल, तो बच्चा लोग कितना होगा 4πr², और अब मैं लिखूंगा छोटी बूंद का क्षेत्रफल, तो छोटी बूंद का जो क्षेत्रफल है वो 4πr² लिखेंगे तो गुणे कैपिटल एन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बूंद कुल कैपिटल एन है। अब हम लिखेंगे डेल्टा ए, तो डेल्टा ए बराबर A2 - A1, है ना, A2 का मान है 4πr² गुणे एन, और माइनस A1 का मान है क्या है 4πr², ठीक है। अब हम यहां क्या करते हैं, कैपिटल आर चाहे स्मॉल आर का मान हम यहां पर रख देंगे, हम चलिए रख देते हैं कैपिटल आर का मान, ठीक है, या हाँ कैपिटल आर का मान, या जिसका मन कहे आपको स्मॉल आर का मान रख देते हैं। चलिए यहां देखिए स्मॉल आर बराबर मिलेगा कैपिटल आर अपान यंग की पावर 1/3, जब हम यहां मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा हमें मिलेगा डेल्टा ए बराबर, पहली बात तो कुछ नहीं, तो पहली बात नहीं दूसरी बात, 4π, मैंने यहां आर लिखा था, आर वाले बिंदु तो नहीं बनता क्योंकि स्मॉल आर है, एक ही है, तो स्मॉल आर बराबर हम ले सकते हैं आर बटे यन की पावर 1/3, और ध्यान से देखिएगा तो इस पे स्क्वायर है आर पे, तो हमने इसके पूरे पे कर दिया स्क्वायर, और गुणे यहां पर कैपिटल यन लिखा है और फिर बीच में माइनस लिखा है और 4πr² लिखा है, सॉल्व किए रहो, यन बराबर 4πr² बटे यन की पावर 2/3 गुणे यन, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर किया 2/3 हो गया, और माइनस 4πr², ध्यान से देखिए आप लोग यहां 4πr² कॉमन, और यन ऐसे रहेगा, ये ऊपर गया यन की पावर -2/3, नीचे प्लस है, ऊपर गया तो क्या बन जाएगा माइनस और -1। अब देखिए डेल्टा ए बराबर 4πr², यहां पावर 1 है, आधार समाप्त धातु जुड़ जाती है, तो 3 × 1 = 3, 3 में से 2 गया 1, 1/3, यानी यन की पावर 1/3 - 1, ये डेल्टा ए का मान आया। अपने को क्या निकालना था कि कैपिटल आर त्रिज्या वाली एक बड़ी बूंद को हमने एन छोटी बूंदों में तोड़ा है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य W/T (Δ A), और हमें पता है टी पृष्ठ तनाव है और डेल्टा ए ऊपर इंतजार कर रहा है 4πr² यन की पावर 1/3 - 1। अब इस सवाल से आपका लाभ क्या हुआ आप जानते हैं, आपका लाभ ये हुआ कि ऐसे कम से कम 10 सवाल आपके कॉपी में किताब में, अब आप सारे सवाल कर सकते हैं। आपसे कहेगा एक काम करिए भैया, 4 मिमी त्रिज्या वाली एक बड़ी बूंद को 64 बूंदों में तोड़ा गया, कार्य की गणना कीजिए, 64 बूंद में कहा एन का मान 64 कर देना, त्रिज्या का मान दिया है 3 मिमी 4 मिमी रख के धनाभन गुणा भाग कर देना, ऐसा आ जाएगा पृष्ठ तनाव का मान, सवाल में दिया रहेगा। फिर कहेगा हमने क्या किया, जितने बूंदों में कहे 1000 बूंदों में तोड़ने के लिए बोल देगा, कभी आपको
आठ बूंदों में तोड़ने के लिए बोल देगा, जितने बूंदों में कई बार देगा कि 125 बूंदों में तोड़ा गया, जितने बूंद को तोड़ने के लिए कहेगा एक का मान याद रखना पूरा भाग करना व्यास संसार आ जाएगा। तो मैंने पहले क्या कहा कि अगर हम एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ेंगे तो बड़ी बूंद ही तो छोटी बूंद में टूटी है, जितना बड़ी बूंद थी उन सारी छोटी बूंदों को मिला दे तो बड़ी बूंद बन जाएगी। तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर यन छोटी बूंदों का आयतन, आयतन बूंद गोलाकार थी तो 4/3 बराबर एन आर क्यूब आया, तो यहाँ से हमने क्यूब हटाया तो यहाँ से 1/3 लगाया, यहाँ पे क्यूब हट गया, आर बराबर निकालेंगे तो r/n^3 आ गया। फिर हमने कहा कि बड़ी बूंद का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है, छोटी बूंद का निकालना है तो 4πr² स्मॉल आर देंगे, लेकिन यंग बूंद थी तो गुणे यंग कर देंगे। अब जाहिर सी बात है बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें थी तो उन सब का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे डेल्टा ए बराबर तो छोटी वाला और माइनस बड़ी वाली बूंदों का क्षेत्रफल मैंने घटा दिया, तो उसको ये निकाल करने के बाद मान लेंगे और डब्ल्यू बराबर टी डेल्टा ए कर दिए। अब सवाल में आपके अंक दे देगा तो इन सारे अंक से रिप्लेस कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो मेरा मतलब यह था आपको तरीका सिखाना और आप यहाँ पर तरीका सीख चुके हैं, है ना, और वीडियो अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है जहां तक हमें लगता है। पर मजेदार बात क्या है कि आप अब अपनी किताब की कम से कम 20 सवाल लगा सकते हैं बहुत आराम से। प्रयास करिएगा, एग्जांपल्स को देखिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा, चीजें अगर ना समझ में आई होंगी, पैनिक की स्थिति है तो डरने की बात नहीं है, आप बताइएगा हम बताएंगे। दरअसल मेरी खराबी यही है कि मैं सवाल को बड़ा कर देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, तो आपको लगता है यार क्या पढ़ा रहा है बंदा, समझ में नहीं आ रहा है। तो पढ़िए सब, बाकी हमें भी पता है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला एग्जाम में, क्या आपके काम का है क्या नहीं है। पर अगर आप N+2 के छात्र हैं तो आपको एक एक बात आनी चाहिए जो हमारे सिलेबस की है, उससे ज्यादा आ जाए पर उससे एक पॉइंट कम ना आए। हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें इंटर पास होना है, इंटर पास होने के बाद भी आपको कुछ करना है, चाहे जो करना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, जो भी करना है आप जो काम कर रहे हैं कम से कम उसे तो ईमानदारी से कर लीजिए, है ना। तो जब हम अपना हर काम ईमानदारी से करेंगे तो हमारे साथ अच्छा पक्का होगा। तो इसीलिए आप एक एक पॉइंट्स को हल करिएगा, जब दिक्कत लगेगी आप मुझे बताएंगे, मैं इसमें की खूब ढेर सारे सवाल आपको करा के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसके सवाल का और एक वीडियो आपको मिल जाएगा, थोड़ा लंबा रहेगा, और कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे और साथ साथ हम GS भी अपलोड करेंगे, जिससे कि आप लोग NDA का एग्जाम देंगे तो आराम से आप उसे कवर कर सकें। बाकी ठीक है डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहें, बिंदास रहें।